सर लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हो चुका है। अरे हमने कह तो दिया कि ये काला कानून का बीमारी है, जितनी जल्दी कटेगी उतनी जल्दी ठीक, राष्ट्रपति की मोहर लग जाए खत्म हो जाएगा। अब आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातचीत है उसको शुरू कर लेते हैं फिर। कोई बीमारी अब दूर होती है, आदमी खुश दिखता है। हाँ खुश दिखे, 750 किसानों की शहादत हो रही, उनको भी जवाब देना। अब MSP पे बात कर ले, जो 750 किसान शहीद हुए उस पर बात कर ले, जो मुकदमे दर्ज है उस पर बात कर ले, और सरकार अब बातचीत कर ले। और जो पहले वे कहते थे कि कानून वापसी तो हम करेंगे नहीं, संशोधन पर बात कर ले, वो तो काम खत्म हो गया। अब तो मामले कुछ हड़के ही रहेंगे, अब बातचीत शुरू कर ले, सब निमटाओगे मामले को। आप पहले दिन से ये बात बोलते थे कि अगर सरकार दो कदम पीछे लेगी तो हम भी लेंगे। मान लिखा हुआ है एक MSP का गारंटी कानून, वो भी बन जाना चाहिए। 2 रुपया MSP पे जब कानून बन जाएगा, किसान के हाथ में 2 रुपया MSP से जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है सब कुछ, उस पर कोई बात कर रहे हैं। MSP जैसे मसले पर कानून बनने के लिए पूरा एक समिति बने ना, ना उसमें राय समिति बनी हुई है। 2011 में समिति बन गई थी, प्रधानमंत्री उस टाइम पे जो एक फाइनेंशियल कमेटी थी, जब मुख्यमंत्री थे उस कमेटी में थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि MSP पे गारंटी कानून बनना चाहिए, उस रिपोर्ट को लागू कर दे। थोड़ा समय नहीं देंगे सरकार को, बात करेंगे सरकार से। अच्छा, पहले सरकार ने आपको मीटिंग के लिए बुलाया तो जाएंगे हम, जाएंगे हाँ इसी रास्ते से जाएंगे, इस नंबर से ऊपर से। मतलब सिंगू बॉर्डर जाएंगे क्या? हाँ जाएंगे सिंगू बॉर्डर भी, मतलब विज्ञान भवन से ही मसला फिर बाहर निकल के आएगा। जहाँ पे भी सरकार बात करेगी वहीं बात कर लेंगे बैठ के। ठीक है सर, अखिलेश यादव ने बोला है कि हमारी सरकार आएगी तो किसानों, जिन किसानों की डेथ हुई है 25 लाख रुपए दिए जाएंगे उनको। अखिलेश यादव ने बोला अगर हमारी सरकार आएगी तो जिन किसानों की डेथ हुई है उनको 25 लाख रुपए दिए। हाँ नहीं चलो ठीक है, उन्होंने घोषणा करी और चुनाव जीतने पे। हाँ तो ठीक है, कम से कम घोषणा तो करी चुनाव जीतने पे। एक और सवाल है, सुबह भी ये पूछा था कि विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि प्रोटेस्ट चले पॉलिटिकल रीजन से। आपके खुद किसान नेता कुछ हैं जो कि चुनाव में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, उस तरह के बयान है, क्या यही कारण है कि इस पूरे प्रोटेस्ट को खींचा जाएगा? ना ना खींच नहीं रहे, हमारे मसले हैं इसको खींच नहीं रहे। इसे को पॉलिटिकल पार्टी आंदोलन को चलवा रही है, कहाँ है पॉलिटिकल पार्टी, उनके कहने से आंदोलन चले। लेकिन वो कंधा तो यूज करना चाह रहे हैं आंदोलन का। अरे कंधा यूज हुआ करेगा आंदोलन का, चले जाएंगे भाई, चले जाएंगे, जिसको जाना है वो जा सकता है। ये MSP के बगैर नहीं जाएगा किसान। क्या उनके जाने से आंदोलन कमजोर पड़ेगा? कोई नहीं जा रहा, कोई नहीं जा रहा। क्या जैसे कानून हाँ होन दो वहाँ बैठे जी, जैसे आपने कृषि कानूनों के लिए देशव्यापी आंदोलन किया, ऐसे क्या MSP के लिए? हाँ करेंगे, पूरे देश में व्यापी आंदोलन करेंगे। हाँ अन्य देशों में भी होगा आंदोलन, हाँ बाहर देशों में भी होगा, वहाँ पे भी करेंगे। ठीक है शुक्रिया। अच्छा किसे किसे चुनाव लड़ना, जरा पेपर के लोग अपना एजेंडा बताओ। प्रेस के लोग भी चुनाव लड़ेंगे अब की बार, उनको भी चुनाव लड़वाओगे, सिफारिश करेंगे भाई हम। सिफारिश करेंगे आपकी भाई, कुछ एंकर को चुनाव दिखे जरूर लड़ना चाहिए। इतनी वकालत करी उन्होंने, इतनी वकालत करी है। एक मिनट समझ लो, जो पॉलिटिशियन है, सुनो सुनो, मैं जो पॉलिटिशियन है यूपी के इलेक्शन में, किसकी सिफारिश करेंगे आप? हम तो प्रेस वालों की सिफारिश करेंगे भाई। नेताजी एक मिनट भाई, मदद करेंगे भाई, प्रेस वालों की मदद करेंगे, बहुत मदद करेंगे।